आपको दिन में बहुत सारे थॉट्स आते होंगे, आराम से बैठे हुए हो, कुछ भी दिमाग में चल रहा है, ऑफिस के बारे में, स्कूल के बारे में, आप आराम से बैठे हुए, वो आ रहे हैं विचार और जा रहे हैं। पर कई विचार होते हैं जो आते हैं और आप में घबराहट पैदा करते हैं, आपको टेंशन देते हैं, आपको लगता है कि अरे ये विचार क्यों आ रहा है, ये विचार मुझे नहीं चाहिए, ये विचार मेरा है या किसी और का है, ये विचार मुझे क्यों आता है बार बार, मुझे नहीं चाहिए तब भी बार बार आ रहा है, और आप उससे लड़ने की कोशिश करते हो। ऐसे अनवांटेड विचार सबको आते हैं और उसे साइंटिफिक टर्म में इंट्रूसिव थॉट कहते हैं। इंट्रूसिव मतलब घुसपैठिया, जो कहते हैं ना इंट्रूजन, घुसपैठिया, घुसपैठ करना। जैसे हमारे दूसरे कंट्री के लोग अगर हमारी कंट्री पे आ रहे हैं, टेररिस्ट जो हम कहते हैं, वो घुसपैठ करते हैं, घुसपैठिया होते हैं, वो खुद से आते हैं, हमें नहीं चाहिए। वैसे हमारे विचार भी, ये जो इंट्रूसिव विचार है, वो घुसपैठिया है और हमें इन्हें नहीं, हमको नहीं चाहिए ये थॉट्स। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग ना ये सोचने लगते हैं कि ये विचार मेरा है कि किसी और का है, मैं कैसे पहचानूं कि इंट्रूसिव विचार कौन सा है, कौन सा मेरा विचार है। तो इस पे आज हम बात करेंगे। इंट्रूसिव विचार को पहचानने के दो तरीके हैं। पहला तरीका समझने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ईगो डिस्टोनिक थॉट्स और ईगो सिंटोनिक थॉट्स का। फॉर एग्जाम्पल, आप वेजिटेरियन है और आप पूरी ज़िंदगी वेजिटेरियन रहे हो, और आपने किसी शादी में गए और आपने वहाँ पे चिकन वगैरह बनते हुए देख लिया, और आपको अगले दिन से ना थॉट आने लगे कि अरे चिकन इतना टेस्टी था, चिकन चिकन, और आप सोच रहे हो अरे मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो रहा है, मुझे जो चिकन के थॉट्स आ रहे हैं। आपकी क्या वैल्यूज़ जो है, आपने ज़िंदगी भर जो आपके बिलीव्स है, वो वेजिटेरियन खाने के हैं, पर आपको ये चिकन के थॉट्स आ रहे हैं, तो ये आपके वैल्यूज़ के विपरीत है, वैल्यूज़ के अपोजिट है। तो ये ईगो डिस्टोनिक थॉट हो गया कि जो आपने आपने सोचा है कि मैं ऐसा हूँ। जैसे कई लोग होते हैं जो जिनको HOCD होता है, वो उनको स्ट्रेट विचार आते हैं हमेशा, पर उनको जब दूसरे तरह के विचार, दूसरे ओरिएंटेशन के विचार आने लगते हैं, तो उनको लगता है कि अरे ये विचार मेरे साथ क्यों आ रहा है, मैं तो ऐसा हुई नहीं। तो ये विचार ईगो डिस्टोनिक है, जो आपके बिलीफ्स के, वैल्यू सिस्टम के, जो आपने पूरी ज़िंदगी भर सोचा है कि मैं ऐसा हूँ, राजविंदर ऐसा है, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने हमेशा सोचा है कि मैं दारू नहीं पीऊँगा, मैं कुछ उल्टे फुलटे काम नहीं करूँगा, और कल से मुझको बहुत, अरे यार मैं विस्की पी लेता हूँ, मैं वो पी लेता हूँ, तो मैं सोचूंगा कि अरे ये उल्टे विचार कहाँ से आ गए, मेरे तो बिलीफ कुछ और है, मैंने तो राजविंदर की जो इमेज है, राजविंदर के जो पहचान है, वो कुछ और है, वो मेरी पहचान के अपोजिट ये विचार क्यों आ रहे हैं। उसे ईगो डिस्टोनिक विचार कहते हैं। और जो आपके बिलीव्स के सिमिलर है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वेजिटेरियन हूँ और मुझे मटर पनीर के विचार आ रहे हैं, हर दिन मटर पनीर की फ़ोटो दिख रही है, तो मैं तो आराम से शाम को जाके मटर पनीर खा लूँगा, टेंशन नहीं लूँगा उसकी। तो ये वो ईगो सिंटोनिक थॉट्स है कि मैं जो मानता हूँ, मेरे जो बिलीफ है, मैं जो मेरी आइडेंटिटी है, उसके हिसाब से थॉट्स आ रहे हैं। तो ईगो डिस्टोनिक जो थॉट्स होते हैं, आपने सही पहचाना, वो इंट्रूसिव विचार होते हैं। और उन इंट्रूसिव विचारों के साथ, क्योंकि वो आपके बिलीव्स के विपरीत है, उसमें एंग्जाइटी भी आती है, आपको घबराहट भी होती है। तो इंट्रूसिव विचार को पहचानने के दो तरीके हैं, एक तो वो आपके आइडेंटिटी के, आपके वैल्यू के विपरीत होंगे, ईगो डिस्टोनिक होंगे, और जो दूसरा है कि उसके साथ घबराहट होगी। अब हमने पहचान तो लिया इंट्रूसिव विचारों को, पर इंट्रूसिव विचारों को ठीक कैसे करना है? देखो, उसको ठीक जो शब्द है वो क्या है कि इंट्रूसिव विचार तो आपको आएंगे, आप क्योंकि जो हमारे दिमाग का काम है विचार सोचना, और वो कुछ भी सोच सकता है, आपकी लगाम, उस घोड़े पे लगाम नहीं है आपकी, कुछ भी विचार आ सकते हैं। पर उन विचारों को अगर आप, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप नेगेटिव विचारों को जिस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हो, जैसे अगर आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो आप विद्वान बन जाओगे, स्कॉलर बन जाओगे, और उल्टे फुलटे काम पे ध्यान दोगे तो आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो वैसे ही अगर आप इन नेगेटिव जो विचार आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए हो या आप किसी शादी में जा रहे हो, सोचो, और आप आराम से अपने शादी वादी का कुछ काम कर रहे हो, तैयार हो रहे हो, और आपको थॉट आया कि अरे यार वहाँ पे मस्त पकौड़े मिलेंगे, ये मिलेगा, मैं अपने कज़न्स के साथ नाचूंगी, ये सब थॉट्स आ रहे हैं, तो ठीक है। अचानक से तुम्हें थॉट आया कि हमारा अगर एक्सीडेंट हो गया जाते हुए, तो और वो बार बार थॉट आ रहा है कि अरे ऐसा थॉट क्यों आया, एक्सीडेंट वाला थॉट क्यों आया, तो पहले जो विचार आ रहे थे उसमें आपको कोई इशू नहीं था, वो ईगो सिंटोनिक थे, जो आप सोच रही थी, जो आप चाहती थी, वैसे ही विचार आ रहे हैं। पर जैसे जो आप नहीं सोच रही हो, नहीं चाहती हो, वैसा विचार आया, तो उसके साथ घबराहट भी आई, और उस घबराहट की वजह से पहले आप विचार सोचते सोचते आराम से दूसरा कोई काम कर रही होगी, शायद से खाना बना रही होगी, पर जैसे ही ये घबराहट वाला, एक्सीडेंट वाला विचार आया, आपका पूरा ध्यान एक्सीडेंट वाले विचार पे चले गया, और आपने उसको और ध्यान दिया, आप उन विचारों से और उलझे, और वो विचार और बढ़ेंगे। पहले तो एक विचार आया, फिर एक विचार के 100 हो जाएंगे। जैसे अगर कोई
नेचुरल या कोई नॉर्मल थॉट आता है कि मैं उधर जाके दोस्तों के साथ डांस करूंगी या दोस्तों के साथ घूमूंगी, या लड़कों का होगा कि मैं हम लोग तो पार्टी करेंगे, तो आपको तो मज़े आएंगे, आप अपना आराम से खाना बनाते रहोगे। पर जैसे ही कोई घबराहट वाला जो विचार नहीं चाहिए वो आता है, तो पूरा खाना वाने पर ध्यान ही हट जाता है, पूरा ध्यान विचार पे चले जाता है। और बताओ, जिस पे ध्यान जाएगा वो तो बढ़ेगा ना, वही चीज़ तो बढ़ेगी। अगर मैं आपको एक बोलूँ कि ये पिंक बंदर के बारे में नहीं सोचना है, चाहे कुछ भी करो, पिंक बंदर के बारे में नहीं सोचना है, चाहे कुछ भी सोचते रहो, आपको आप नहीं रोक पाओगे। या फॉर एग्जांपल, कोई हॉरर मूवी देख के आए आप और थिएटर से, और आप चाहे कितना भी रोक लो, आपको वो जो विचार है भूत वगैरह के, वो अगर बहुत ज़्यादा डरावनी मूवी है और आपको अफेक्ट किया है, तो वो आएंगे, आप नहीं रोक सकते। विचार आएंगे, पर विचार पे ध्यान देना, उसे इम्पोर्टेंस देना, उससे उलझना, वो आपके हाथ में है। जिससे उलझोगे वो बढ़ेगा, जिस विचार पे ध्यान दोगे वो विचार बढ़ेगा। ये विचार पे ध्यान दोगे कि मैं आईएएस बनूंगा, आईएएस बनूंगा, तो आईएएस की तैयारी करो, बन भी जाओगे। पर अगर ये सोचते रहे मैं उससे आईएएस नहीं होगा, नहीं होगा, चाहे तुम पढ़ाई भी कर लो, तुम्हारा ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि जिस चीज़ पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं वही चीज़ बढ़ती है। और एक और चीज़ है कि सिर्फ सोचने से चीज़ें नहीं होती है, एक्शन ज़रूरी है, बट हाँ, हमारे दिमाग में जो थॉट्स का जो फ्रीक्वेंसी है, थॉट्स, ज़्यादा थॉट्स कौन से आएंगे, वो इसी पे डिपेंड होता है कि आप कौन से थॉट्स पे इम्पोर्टेंस देते हो, कौन से थॉट्स को ज़्यादा ध्यान देते हो, वो थॉट्स बढ़ते हैं। तो आप इंट्रूसिव विचार पहली बार कोई भी आया होगा खुद से, पर उसको आप बार बार आप लेके आ रहे हो ना चाह के भी। तो ये चीज़ समझो, इंट्रूसिव विचारों को समझो। और ये सब हर आदमी को आते हैं, 97% 100% लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे विचार आएंगे, पर जो नॉर्मल लोग हैं वो आराम से इन विचारों को जाने देते हैं, पर जो लोग ज़्यादा सोचते हैं, इस पर इम्पोर्टेंस देते हैं, तो ये विचार उनके साथ ही घर बना लेता है। तो इंट्रूसिव विचार वो है जो आपके वैल्यूज़ के, आपके बिलीव्स के विपरीत है, अपोजिट है, और जो घबराहट लेके आते हैं। उसे पहचानो, पहचानना ही फर्स्ट स्टेप है, पहचानो पहचानो और अपना ध्यान उससे हटाओ, उस पे ध्यान पे, उस पे फोकस मत करो। तो थैंक यू एंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। मैं ऐसे वीडियोस और लाते रहूँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरी वीडियोस हैं, मैं पेड मोटिवेशनल सेशंस और गाइडेंस सेशंस भी देता हूँ, तो आप मुझसे वो कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं फ्लैश करूँगा स्क्रीन पे। बाकी आप मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में है। मेरे से जुड़े रहिए, एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, कीप फाइटिंग, ऑल द बेस्ट।